हर हर महादेव। देखिए एक टेलीग्राम पर प्रश्न किया है, इन्होंने अपना नाम गोत्र आदि तो नहीं लिखा है, आप लोग अपना नाम गोत्र इत्यादि जरूर लिखा कर। वे पूछ रहे हैं कि शनि भगवान मंदिर में चढ़ा भोग को ग्रहण किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, अर्थात शनि का जो या शनि ग्रह का जो मंदिर है वहाँ भोग लगा करके उसका प्रसाद हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये इनका प्रश्न है। आजकल शनि के मंदिर बहुत बन रहे हैं और ये जो है अधार्मिक कार्य बहुत होगा कलयुग में, इससे स्वयं शनि ही रुष्ट हो जाएंगे। और शनि जो है अगर प्रसन्न भी हो जाए तब भी बहुत बड़ी हानि है, तो वो तो आ जाएंगे शनि तुम्हारे पास, प्रसन्न हो जाते हैं तो हम तो जो है राम कृष्ण इत्यादि का, शिव जी का, दुर्गा जी का, गणपति का, विष्णु भगवान का पूजन इसलिए करते हैं कि वे प्रसन्न हो, हमारे पास आए या हमें अपने पास बुला ले। और अगर शनि देवता किसी के पास आ गए या शनि को किसी को शनि ने बुला लिया तो उसकी क्या स्थिति होगी, शनि की कितनी वक्र दृष्टि है, उसकी दृष्टि कितनी क्रूर है। हमारे द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज ने इसका निर्णय कर दिया है और फिर भी हम लोग जो है इसी प्रकार के प्रश्न पूछते रहते हैं। हमारे पूज्य आचार्यों में या तो श्रद्धा नहीं है या उनकी बात मानना नहीं चाहते हैं या उन्हें सुनते ही नहीं हैं, भला हम उनके अलावा और क्या बतलाएंगे। वे जगत गुरु जी हैं और उनका निर्णय ही हम सबके लिए सर्वोपरि है, और क्योंकि उनका निर्णय शास्त्रीय है, वैदिक है, उनसे ज्यादा भला मैं अज्ञानी क्या बतलाऊंगा आपको। जब वे कह चुके हैं कि जो है शनि कोई भगवान नहीं है, आप भगवान लिख रहे हो, शनि भगवान तो छोड़ो देवता भी नहीं है, शनि तो ग्रह है, पूजा हमारे यहाँ देवताओं की होती है, मंदिर देवताओं का बनाया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा देवताओं की होती है, शनि का कोई मंदिर बना के पूजा करने का विधान कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा है। हाँ शनि ग्रह है तो नौ ग्रहों का भी पूजन होता, राहु का भी पूजन होता, केतु का भी होता, बना लो भैया केतु का मंदिर, बना लो राहु का मंदिर, इन ग्रहों का जो ग्रह यज्ञ होता है, सग्रह मख कार्य होते हैं, ग्रहों की आहुतियाँ होती हैं, ग्रहों का पूजन यज्ञ इत्यादि में किसी प्रधान पूजन के साथ में होता है। किसी ग्रह की कोई भी वक्र दृष्टि या कोई क्रूर दशा इत्यादि हो, कुंडली में कोई चतुर्थाष्टम द्वादश स्थान इत्यादि पर बैठा हो तो उसकी ग्रह की शांति भी होती है ना, तो उसमें यही है, उसका पूजन हवन इत्यादि करके फिर उसको विसर्जित कर दिया जाता है। और पूज्यपाद भगवान शंकराचार्य इत्यादि का ये कहना ही है, शास्त्रों का ये कहना ही है कि शनि इत्यादि नवग्रहों का पूजन इसलिए होता है ताकि वो ग्रह शांत हो जाए, वो ग्रह की दृष्टि हम पर नहीं पड़े, वो हमसे दूर रहे। और अगर मंदिर बनाना, रोज उसका पूजन करना, दर्शन करना, भोग लगाना, प्रसाद लेना, ये सब भी तो वो ग्रह आ जाएगा। शनि ग्रह का पूजन इसलिए शास्त्रों में नहीं लिखा है कि शनि को बुलाया जाए, शनि के यहाँ जाया जाए, शनि को तो हटाने की, शनि की वक्र दृष्टि हमसे हट जाए, शनि का प्रभाव हमसे हट जाए, इसलिए उसका जो है पूजन होता। किसी दुष्ट कोई व्यक्ति आपके यहाँ आ जाए, कोई दुष्ट व्यक्ति आपके घर पर कब्जा कर दे और उसको आप अच्छी तरीके से बात करें, उसके साथ अनुनय विनय करें, तो इसलिए नहीं किया जा रहा है कि वो हमारे घर में ही रह जाए, यहीं रह जाए, हमारे घर पर कब्जा कर दे, उसको तो इसलिए मनाया जा रहा है कि भाई जैसे तैसे आप जो है पधारो, जाओ यहाँ से, हमारे ऊपर यही कृपा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब उसी का चरणों तक पिए हम धो करके, अरे भाई तुम्हारी शनि में ही श्रद्धा है, क्योंकि कलयुग के प्राणियों को ऐसा ही होगा, जिनके सिर पर कलयुग तांडव करता है
उनको राम में, श्री राम में, श्री कृष्ण में, हनुमान जी में, दुर्गा जी में, शिव जी में, गणपति में, सूर्य भगवान में, विष्णु भगवान में, लक्ष्मी में, इनमें श्रद्धा नहीं होगी। उनकी श्रद्धा होगी खाटू श्याम में, उनकी श्रद्धा होगी जो है ये जो है संतोषी माता में, उनकी श्रद्धा होगी साई बाबा में, उनकी होगी शनि में, राहु में, केतु में, और दुनिया भर के ये सब ऐसे आडंबर वाले जो देवता हैं, जो अशास्त्रीय हैं, जो मनः कल्पित हैं, जो बना लिए हैं, जिनको करने में पातक है, जिनको करने में शास्त्रों ने जो है मना किया है, जिसको करने में जो है अपना ही नहीं कुटुंब सहित और राष्ट्र की हानि है, उसमें लोगों की श्रद्धा होगी और वे उन्हीं का प्रसाद लेंगे। ऐसे ही गुरुओं को बनाएंगे और ऐसे ही अपने अपने देवता और ईश्वर बनाएंगे। भाई हमारी श्रद्धा है, हमारी भावना है। अरे भाई तुम्हारी भावना भैंस के गोबर को हलवा बना ले तो उसको खा लो, कि भाई तुम्हारी भावना है, कि तुम्हारी भावना इतनी दूषित है क्योंकि वो शास्त्रीय नहीं है, उसमें कोई भी विधान नहीं है। तुम्हारी भावना तो किसी को भी ईश्वर बना लेती है। आजकल से कई जो जो है क्रिकेटर हैं, कुछ जो है हीरो हैं या कुछ नेता हैं, जिनको देखने मात्र से पातक लग जाएगा, वो हमारा भगवान है। लोग उसको भगवान कहते हैं, भगवान की परिभाषा ही नहीं जानते, और लोग उसको चरणों तक लेंगे, पियेंगे, हो सके कुछ गोमूत्र की जगह पर वही पान कर लें लोग, तो वो हमारी श्रद्धा है। कुछ कहो तो लोग कहते हमारी श्रद्धा है, अरे कहीं मना किया गया भाई माताओं के लिए, स्त्रियों के लिए, असंस्कृत द्वजों के लिए ये जो है ये अधिकृत नहीं है, इसमें वे लोग जो है अधिकारी नहीं है, ये उस कर्म को नहीं कर सकते। भाई हम तो करेंगे, हमारी भावना है। तो तुम्हारी भावना तो अभी आज अपने पति में है, कल उस पति को छूट करके दूसरे पति में भावना हो जाएगी, तो भैया ठीक है करो, उसके साथ जाओ, मौज मनाओ। अपने जो है माता पिता को छोड़ करके, क्योंकि वृद्ध है वो तो ऐसे ही है, किसी दूसरे सुंदर और जो है श्रेष्ठ कोई जो है पैसे वाले या जो है ऐसे आधुनिक लोगों में भावना कर लो, अंग्रेजों में भावना कर लो, गोरे चट्टे लोगों में भावना कर लो, कि जब ये हमारे माता पिता है मना लो उनको। इसी तरीके से अपने माता पिता को, पति को, है ना, आदरणीयों को छोड़ करके, और जिस तरीके से किसी पर पुरुष में, चमकीले किसी व्यक्ति में जो आस्था रखना, ये जो है अनास्थाई है, और ये जो है जहन्नुम का, पातक का, नरक का कारण है। इसी प्रकार से ये भी, ये अपने जो पूज्य देवता हैं, जो सनातन देवता हैं, जो ईश्वर हैं, उनमें आस्था श्रद्धा को छोड़ करके ऐसे लोगों में आस्था श्रद्धा रखते हैं, तो वे लोग जो है शास्त्र निर्मूलक हैं, इसके कारण वे पातक ही हैं और उनकी क्रियाएँ भी सब अशास्त्रीय हैं। इससे सावधान रहना चाहिए, ध्यान देना। हमारे यहाँ पूज्य केवल ये पाँच देव ही हैं, पंचदेव उपासना ही है, जिसमें है भगवान शिव, भगवान गणपति, भगवती दुर्गा, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य। इन पांच देवों के और इनके शास्त्रीय अवतारों के ही पूजन विधान हैं। इनके अलावा किसी की मूर्ति बनाना, पूजन करना और उनका चरणोदक प्रसाद लेना अशास्त्रीय ही है। हर हर महादेव।